अगर बात करें, हर तरफ यही पूछा जा रहा है कि हरभजन की दूसरी पारी में क्या, और बड़ी पॉलिटिक्स की बात चल रही है और सिद्धू पा के साथ भी आपकी फोटो आ गई, तो क्या राजनीति की तरफ भी रुझान है, सोच है कि मैं पॉलिटिक्स में भी सेवा कर सकता हूं, एक तरह से देश की सेवा की क्रिकेट खेल के, तो अलग अब दूसरी तरीके की सेवा की तरफ भी क्या उस तरफ है थोड़ा सा रुझान झुकाव? देखिए, मैं आपने मेरे मन की बात ही कह दी और दिल की बात कह दी कि देश को खेलने का मुझे अवसर मिला, इतना मुझे प्यार मिला लोगों का, और आज मैं अगर लोगों के लिए कुछ वापस कर सकता हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स के जरिए है या फिर सोशल वर्क के जरिए है या किसी भी तरीके से, मैं अगर लोगों काम आ सकूं मैं जरूर करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि ये टाइम की जरूरत भी है कि मेरे जैसे लोगों को, जो मेरी सोच है कि यंग इंडिया को आगे आना चाहिए और इंडिया के लिए अच्छा करने की सोच रखते हैं, वो आगे आए और टीम को लीड करें और देश को आगे लेके जाएं। और उसमें चाहे आज मैं ज्वाइन करूं, कल ज्वाइन करूं, या फिर 2 साल बाद या 6 महीने बाद, मैं जरूर इसमें अपने आप को आजमाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा मेरे में उतनी काबिलियत है क्या कि मैं देश की सेवा कर सकूं इस तरीके से भी, क्योंकि ये है बड़ा डिमांडिंग काम, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं इसमें हाँ या ना अभी किसी को कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप 100% किसी की चीज को नहीं दे सकते हो तो उसमें जाना नहीं चाहिए। और जिस दिन मुझे लगता है कि मैं 100% इस काम को अपने दिल से शिद्दत से करूंगा तो फिर मैं जरूर उस काम की तरफ जाऊंगा और करना चाहूंगा। बिल्कुल, वैसे मैंने पॉलिटिशियन से जितनी मेरी मुलाकातें हुई हैं, एक्सपीरियंस है मेरा, तो हरभजन वो यही कहते हैं पॉलिटिक्स उनके लिए बहुत आसान है जो काम करना चाहता है, जो कोई पैसा कमाना चाहता है या फिर पावर के लिए आ रहा है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये मैं मतलब एक छोटी सी जो मेरी एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ साझा कर दी कि तो अगर आप काम करने जाएंगे, सेवा करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान है पॉलिटिक्स, तो आप इसमें ज्यादा देर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप अगर स्टंपिंग करने की बात करें ना हरभजन की, स्टंपिंग करने में इनका नंबर जो है 5वें नंबर पर है और बड़े स्टंप किए उन्होंने अपने करियर में, बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते थे ना, फ्लाइट समझ पाते थे ना टप्पा समझ पाते थे हरभजन का, तो अब ये नेट प्रैक्टिस मतलब कहां चल रही है, बीजेपी में नेट्स लगे हुए हैं या आपके दफ्तर में या कांग्रेस के दफ्तर में नेट्स लगे हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिलहाल आपने बड़ा घुमा फिरा के सवाल किए, मेरी गुगली मुझे फिरकी मेरी मार दी है ना आपसे कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है समीर, मैं अभी इस चीज के लिए कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैंने किस पार्टी के साथ कब जाना है और क्या मेरे अगले प्लान। बट ये है कि मेरे 5 साल पहले भी कुछ ऑफर्स थी कि आप पार्टीज को ज्वाइन करो, इलेक्शन में कैंपेन करो, लड़ो इलेक्शन लड़ो और आप आगे बढ़िए, इस दौर में अब आगे बढ़िए। पर मैंने अभी तक इसके ऊपर विचार नहीं किया क्योंकि मुझे पता है ये बहुत डिमांडिंग जॉब है। ये ऐसी जॉब नहीं है कि मैं रात को सो गया और सुबह मुझे पता है कि मेरे अपने टाइम पे उठना है, मैच खेलना है, ये रूटीन है। इसमें आपको 24 घंटे जो है वो मतलब सतर्क रहना है, कभी भी किसी वक्त आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, क्या काम आए वहां पे जाना पड़ सकता है। और ये देश का काम है, लोगों का काम है, लोगों के बीच में रहने वाला काम है, तो उससे आप फिर दूर नहीं भाग सकते हो। तो जिस दिन मुझे लगा कि मैं 100% दे सकूंगा, मैं आपको पार्टी भी बताऊंगा कौन सी पार्टी में जाऊंगा और मैं आपको उसका कारण भी बताऊंगा और मेरे आगे के गोल भी बताऊंगा कि क्यों मैं यहाँ पे जाके क्या काम करने वाला हूँ। और आप पार्टी भी देंगे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने की, लेकिन सिद्धू पाजी लेकिन सिद्धू पाजी जरूर बोल रहे होंगे ठोको ताली, साथ में ताली ठोकते हैं बज्जी और फोटो भी खिंचाई आपके साथ उन्होंने, तो सिद्धू पाजी जरूर कुछ कर रहे होंगे आपके साथ। मुझे लग रहा है कि आजा बज्जी, आजा जूनियर है मेरा छोटा भाई, छोटा प्रा जो है, आओ मेरे साथ, एक साथ मिलकर हम देश की राजनीति करेंगे। देखिए, शरीफा ने बहुत प्यार दिया है और हमेशा जब मिलते हैं बहुत ऐसे प्यार से मिलते हैं, और उस दिन भी हम चंडीगढ़ में थे तो मुलाकात हुई। तो मुलाकात का कारण ये पॉलिटिक्स नहीं था क्योंकि हम दोनों एक सेक्टर में थे और आजू बाजू के घरों में थे, तो जब पता चला कि बज्जी भी है यहाँ पैदा हुआ तो वहां पे मुलाकात हुई, तो उसी चीज से अब लोगों के दिमाग में आ गया कि शायद मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। बट ऐसे ही तो मैं बीजेपी के भी बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत करीबी लोगों को जानता हूँ, ऐसे मैं आपके भी जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर जिसके साथ अब मैं खाना खाऊंगा या बैठूंगा या फोटो छपेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे कुछ पर्सनल संबंध भी हो सकते हैं उनके साथ, और किसी भी उस फोटो को आप ये ना समझिए कि मैं वो पार्टी ज्वाइन करूंगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जिस दिन मैं
अगर सियासत में आऊंगा या मैं पॉलिटिक्स करना चाहूंगा तो मैं आप सबको बता के आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और जिस दिन आऊंगा आप सबको पता भी लगेगा और मैं आपको कारण भी बताऊंगा क्यों आना चाहता हूं और क्या मेरे जो अगले गोल होंगे, मैं क्या क्या ठीक करना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें आपकी फिर भाभी की परमिशन लेनी होगी कि आपको पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि टाइम और घट जाएगा फिर आपके लिए, जो आपने सोचा ना फैमिली के लिए टाइम देना चाहूंगा इस सेवा में, जैसा कि आपने खुद कहा दिन रात नहीं है, तो आपको फिर वहां से भी हरी झंडी मिलनी होगी होम मिनिस्ट्री से। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप चाहते हो कि आप ज्यादा टाइम घर पे स्पेंड करो, बच्चों के साथ रहो, फैमिली को थोड़ा और टाइम दो, जो 20 साल उन्होंने मुझे देखा नहीं है, अब वो उनको मैं समय दूं, अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखूं अपने सामने। और अगर मैं ऐसा डिसीजन लेता हूं तो फिर वो टाइम बहुत कम मिलेगा घर के लिए, तो ये चीजें बहुत सोच समझ के ये निर्णय लेने वाला होगा। और जब भी कोई भी निर्णय लूंगा इस पार या उस पार, तो उसमें घर से तो जो आपने कहा है कि मेरे होम मिनिस्टर की मुझे परमिशन लगेगी लगेगी, जो मेरी गीता बसरा वाइफ की, क्योंकि विदाउट योर कंपेनियन विद योर पार्टनर यू नो आप खुद अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और ये जरूरी भी है क्योंकि तभी अच्छा तालमेल रहेगा। लेकिन एक बात है, जाते जाते पूछना चाहूंगा कि ये पॉलिटिक्स का हम इंतजार करेंगे कि आप आए, क्योंकि ऐसा एक साफ दिल सच्चा इंसान अगर देश की राजनीति में आता है सेवा के इरादे से आता है तो वो हमारे सबको बहुत फायदेमंद होगा। और आप सिर्फ 41 साल के हुए हैं तो नई पारी ये एक्सपीरियंस आप दूसरे फील्ड में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है युवा क्रिकेटर्स, IPL या इंडियन टीम की कोचिंग, बॉलिंग कंसल्टेंट, इस तरीके का कोई ऑफर आएगा तो क्या भज्जी ओपन है? जी, मैं जहां तक का सवाल समझ पाया हूं कि आप क्रिकेट में भी मैं काम करने में इंटरेस्टेड हूं या नहीं, ये मुझे लगता है कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि थोड़ी आपकी आवाज कट रही थी। जी बिल्कुल समीर, मैं यही बताना चाहूंगा कि मेरा क्रिकेट के कारण वजूद है, और क्रिकेट मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मैं पता नहीं कहाँ पे होता, क्या कर रहा होता। और क्रिकेट मेरी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा था, है और रहेगा भी, क्योंकि उसके बिना मेरी गति नहीं है। अगर मैं कहीं भी किसी भी मुकाम पे पहुंच जाऊं तो क्रिकेट की वजह से पहुंचूंगा, और आगे भी क्रिकेट के साथ जुड़ा रहना चाहूंगा, चाहे वो IPL के नजरिए से हो या भारतीय टीम को, BCCI को, कभी मेरी जरूरत हो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को मेरी कभी जरूरत हो, या फिर किसी को भी जिस क्रिकेटर को मेरी जरूरत हो तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया। आई थिंक अब मेरी ड्यूटी बनती है टू गिव समथिंग बैक टू द गेम, और मैं जरूर चाहूंगा कि मैं इसी तरीके से क्रिकेट से जुड़ा रहूं और उन लड़कों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करूं। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।